प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। ये जो हमारा आज का वीडियो है, इसके विषय में मैं आप सभी को भी बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे स्वयं का परिचय थोड़ा सा देना चाहिए। मेरा नाम यशराज तिवारी है, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। साथ ही साथ एजुकेशन के रूप में अगर आप देखें तो वैसे तो आप लोगों ने बायो डिस्क्रिप्शन इत्यादि पढ़ा ही होगा, फिर भी जो नए लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग करी हुई है। साथ ही साथ मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ आईकास से। आईकास अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, जो कि इस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी वी रमन है। तो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान के आधार पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो बहुत से भ्रम बने हुए हैं ज्योतिष को लेकर के। ये जो वीडियो है, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन या जो इसका टाइटल है वो क्या रखने वाला हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में 3-4 चीज़ें हैं जिस विषय पर मुझे आज चर्चा करनी है। सबसे पहले तो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है, व्हाई एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्यों, ज्योतिष की क्यों आवश्यकता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष की क्या महत्वता है, और उसके भी पहले व्हाट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या नहीं है, जिसको कि समझ लिया गया। कई वीडियोस YouTube पर अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में हैं, जिस पर ज्योतिष के विषय में बहुत सी बातें बताई गई हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या नहीं है, ज्योतिष की क्या इम्पोर्टेंस है, ज्योतिष को मानने से क्या होता है और ज्योतिष को नहीं मानने से क्या होता है, इन सभी विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। किन किन पॉइंट्स पर मुझे डिस्कस करना है मैंने नोट करके रख लिया है, तो वो देख देख कर एक पॉइंट को कंटिन्यू करते जाएंगे ताकि कोई पॉइंट इस वीडियो में छूट ना जाए। जो ज्योतिष को समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं वो भी, और जो ज्योतिष को नहीं भी समझते परंतु इस चैनल को देखते हैं वो भी, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आज आप पूरा ही देखें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि व्हाट इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या नहीं है, ज्योतिष क्या नहीं है ये पहले बता दूंगा तो ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए। ज्योतिष सबसे पहले तो प्रिडिक्शन करने के लिए काम आता है, भविष्य फल देखने के लिए, भविष्य कथन करने के लिए। ज्योतिष को पढ़ करके व्यक्ति भविष्यवक्ता बन सकता है। भविष्य को जानने के लिए बहुत सी विधाएं बताई गई हैं, उसमें से एक ज्योतिष भी है, जो कि वेद नाम चक्षु, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष क्या नहीं है, कुछ भी इस तरह की प्रिडिक्शन करना, जैसे कि चुनाव कौन जीतेगा, एक इलेक्शन हो रहे हैं उसमें प्रिडिक्शन देते चले जाना, न्यूज में बहुत लोग देते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, ये ज्योतिष कभी नहीं बताता। एक मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, कोई भी है, खेल में कौन जीतेगा, इन सब की प्रिडिक्शंस ज्योतिष नहीं करता है। इसके लिए इनके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं। मौसम की प्रिडिक्शन ज्योतिष के थ्रू बताई जा सकती है, लेकिन मौसम के जानकार लोग जैसे अलग हैं, वैसे ही शेयर मार्केट हो गया, आपका गेम हो गया, इलेक्शन हो गया, इन सब के विषय में ज्योतिष नहीं बताता कि इसमें कौन जीतेगा। इनके एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स अलग होते हैं, वो अपनी स्टडी के आधार पर इन चीज़ों को बताते हैं, लेकिन ज्योतिष इन सब चीज़ों को नहीं बताता। जो भी लोग इन सब चीज़ों को बता रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा या मैच में कौन सी टीम जीतेगी, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो 99% सिर्फ एक्स्ट्रोलॉजी है, एक्स्ट्रा का दिमाग है। और उसमें भी 1% जो एस्ट्रोलॉजी बची है वो यही है कि जो इन सब चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहा है, जो बताने वाला है, वो बताने वाला स्वयं को एस्ट्रोलॉजर बता रहा है। तो ये 1% बस वही है, बाकी सिर्फ एस्ट्रोलॉजी है, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये समझिए कि ज्योतिष क्या है, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष मतलब कि वेद नाम चक्षु। अगर आप ज्योतिष के ग्रंथों को पढ़ें तो पहली लाइन जो आपको मिलेगी वो वेद नाम चक्षु ही है, यानी वेद का नेत्र। अब नेत्रों का क्या काम है, हमारी आंखों का क्या काम है, चीजों को दिखाना, उसी प्रकार से नेत्र आपको दिखाते हैं, तो ज्योतिष भी आपको चीजों को शो करता है। दूसरी चीज, जन्म कुंडली जो होती है, जो हम देखते हैं कि जिसमें 12 भाव और 9 ग्रह होते हैं, वो आईना है, वो आपका आईना है, वो आपको चीजों को दिखाता है। अब कोई कहे कि बिना आईने के जिया नहीं जा सकता क्या, बिल्कुल जिया जा सकता है, परंतु अगर आपके चेहरे पर दाग है तो आप उसको देख नहीं पाएंगे, आपके चेहरे पर कोई निशान है तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। आप ऐसे ही समाज में घूमेंगे और संभव है कि उसकी वजह से आप मजाक का पात्र बने, परंतु घर से निकलने से पहले अगर आप आईना देख करके निकलेंगे तो संभव है कि जो कमी है उसको आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। बस ज्योतिष का यही काम है। ज्योतिष अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ज्योति और ईश, ज्योति अर्थात की लाइट और ईश यानी कि ईश्वर। तो एक सामान्य व्यक्ति को ईश्वर से मिला देना
एक सामान्य व्यक्ति को ईश्वर से मिला देना, यही काम इस गैप को जो फुलफिल करता है वो ज्योतिष है। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन या नर को नारायण से मिला देना, इसके लिए बस मेनली ज्योतिष का यूज किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र पूर्ण अध्यात्म है, ये अध्यात्म का विज्ञान है मेनली। अब आजकल जो है हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए इसको देख रहे हैं, तो ये इन सब चीजों को भी बताता है। धन जमीन प्रॉपर्टी ये सब तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप कार्यक्रम देखते होंगे, बारह भाव हर एक चीज को बताते हैं, लेकिन मेनली ज्योतिष शास्त्र पूर्ण अध्यात्म है। किसी एक व्यक्ति ने पूछा था, इस पॉइंट को भी मैं कवर कर लेता हूँ, कि मैंने कई बार कहा कि कलयुग में नीच के ग्रह भी अच्छा फल देते हैं, तो उनको नीच क्यों कहा गया है? देखिए ज्योतिष शास्त्र पूर्ण अध्यात्म है। नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह आपके आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है, लेकिन भौतिक विकास को अक्सर अपनी पोजीशन अपनी प्लेसमेंट के आधार पर देने वाला होता है। इसी वजह से आज जो हम जी रहे हैं ये भौतिक चीजों के स्तर पर ही जी रहे हैं, तो वो नीच का ग्रह भी कलयुग में फायदा दे जाता है। तो ये है नीच के ग्रह का कंसेप्ट, जो कि एक इसका टॉपिक तो नहीं था परंतु मैंने यहाँ पर इसको डिस्कस किया। अब ज्योतिष का मेनली काम क्या है, तो जो मैंने आपको बताया कि वर्क्स लाइक आईज, ये आंखों की तरह ही काम करता है, आपकी चीजों को दिखाने का काम ज्योतिष करता है। एक चीज और है कि एक होता है हमारी पर्सनैलिटी जो कि हमारा लग्न होता है, एक होता है हमारा मन जो कि चंद्रमा होता है, और एक होती है हमारी आत्मा जो कि हमारा सूर्य होता है। कई बार हमारा मन कुछ चाहता है, हम कुछ करते हैं, और एक सबसे बड़ी चीज जिसको ज्यादा महत्वता नहीं दी जाती, लेकिन जो लोग सफल हैं आप अगर उनसे जाके पूछेंगे तो वो बिल्कुल कहेंगे कि भाग्य की महत्वता सबसे ज्यादा है। कर्म तो हर कोई करता है, ज्योतिष शास्त्र भी कर्म करने की तरफ ही प्रेरित करता है, परंतु 99% कर्म है, 1% भाग्य, लेकिन वो 1% भाग्य जब फलीभूत होता है तो 99% कर्म को वो अच्छा भी बना सकता है, सफलता भी दे सकता है, और उसी 1% भाग्य के चलते वो 99% कर्म का फल भी कई बार निष्फल हो जाता है। वैसे नीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि किए गए कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जिस चीज को आप पाने की चाहत रख रहे थे उसके लिए आपने 99% कर्म किया परंतु 1% भाग्य का साथ नहीं मिला, तो वो चीज को आप नहीं पा पाते हैं। तो ये भाग्य की महत्वता तो सबसे ज्यादा है ही। अब हो गया मन, पर्सनैलिटी और भाग्य, इन तीनों का सम्मिश्रण, इन तीनों का जब तालमेल बन जाता है तो वो व्यक्ति सफल हो जाता है। कर्म हमारे हाथ में है परंतु भाग्य के लिए हमको एक रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर, एक सर्टिफाइड, एक नॉलेजेबल, एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर की आवश्यकता होती है जो कि हमारे भाग्य के पार्ट पर काम करे। हर व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है और हर व्यक्ति की वीकनेसेस होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और देखा जाए तो हर कोई परफेक्ट है, सबकी एक स्ट्रेंथ है, सबकी एक वीकनेस है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को जान जाएं, आप अपनी वीकनेस को जान जाएं, तो आप जो स्ट्रेंथ है उनको और पॉलिश करके बढ़ाएं और वीकनेस को कम करने की कोशिश करके आप सफल बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। उदाहरण के तौर पे किसी के पास कोई स्ट्रेंथ है और किसी के पास में वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो जिसके पास में वो स्ट्रेंथ नहीं है वो कमजोर नहीं माना जाएगा। इसको ऐसा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो एप्पल्स होते हैं, जो सेव होता है, वो हिमाचल साइड में उगने की क्षमता रखता है, परंतु अगर आप उसको लाकर के साउथ साइड में लगाएंगे तो शायद वो ना उग पाए। इसी तरह से कोकोनट जो नारियल होता है वो साउथ में उगने की क्षमता रखता है, परंतु अगर आप उसको नॉर्थ में ला करके उगाएंगे तो शायद वो ना उग पाए। तो इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि एप्पल कमजोर है क्योंकि वो साउथ में नहीं उग पा रहा, और ऐसा भी नहीं है कि कोकोनट कमजोर है कि वो नॉर्थ में नहीं उग पा रहा। दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी अपनी वीकनेसेस हैं। इस एग्जांपल को जब मैंने अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाया था तो वहां पर भी स्टोरीज के फॉर्म में मेंशन किया था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्ट्रेंथ है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक वीकनेस है, उनको जान लेना, उनको पॉलिश करना और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी के पास प्रकृति ने एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस दी ही हुई होती है, तो स्ट्रेंथ सबके पास है, बस उनको उसको जान करके मैक्सिमाइज करना ही ज्योतिष का काम होता है। जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि नर को नारायण से मिला देना, आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस गैप को फुलफिल कर देना ही ज्योतिष का काम है। तो ज्योतिष शास्त्र पूर्ण आध्यात्म है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देने के बाद में ज्योतिष का काम खत्म हो जाता है। तो कई सन्यासी होते हैं या कई उस लेवल पर लोग पहुँचे हुए रहते हैं जिन पर हो सकता है कि ज्योतिष या ग्रह वो प्रभाव जो एक सामान्य व्यक्ति पर डालते हैं उन पर ना डाल सके, लेकिन उसके लिए बहुत साधना, बहुत तप करने की आवश्यकता होती है। तो मेनली क्या काम है ज्योतिष का? एक व्यक्ति को आध्यात्म के पथ पर चलाना, अच्छे कर्म के विषय में सिखाना, अर्थात उससे भक्ति कराना, और भक्ति का मार्ग चुन करके वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। एक पॉइंट और रखता हूँ यहाँ पर
ज्योतिष का काम, लोगों को लगता है कि ज्योतिष से जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल ज्योतिष से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन ज्योतिष से जुड़ करके जिंदगी को बदला जरूर जा सकता है। पहला टर्म तो यह है, ज्योतिष जिंदगी बदलने का विषय नहीं, जिंदगी को संवारने का विषय है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को संवारें, तो बिल्कुल हाँ, ज्योतिष आपकी वहां पर हेल्प कर सकता है। अभी शायद 10 से 12 दिन पहले एक व्यक्ति की जन्म कुंडली का मैं अध्ययन कर रहा था। पर्सनल मीटअप पे थे, बॉम्ब सामने बैठे हुए थे और लगभग 32-33 साल की उनकी उम्र थी। अपने करियर को लेकर के वो बहुत परेशान थे, जो व्यापार वो कर रहे थे उसमें वो संतुष्ट नहीं थे, और जो कर रहे थे वो उनकी जन्म कुंडली में सूट भी नहीं हो रहा था। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने उनको शनि से संबंधित कोई व्यापार बताया, शनि से संबंधित व्यापार बताया, और मैंने कहा कि साल से डेढ़ साल बाद ये आपकी कुंडली में अच्छा चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी उनके मन में 30-40% जो था वो डाउट ही था कि करूँगा तो ये ना हो जाए, ये करूँगा तो वो ना हो जाए, वो संतुष्ट नहीं थे। तब जाके मैंने उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति देखी। सूर्य षडभल में सबसे ज़्यादा कमजोर थे, फलस्वरूप उस व्यक्ति के पास में आत्मविश्वास नहीं था। उसको जब आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास नहीं था, तो और दूसरे उस पर क्या विश्वास करेंगे। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है, तो दूसरे उसका क्या विश्वास करेंगे। इसीलिए आत्मविश्वास को डेवलप करना वो जन्म कुंडली से पता चल गया कि काम है सूर्य की वजह से। अब हम एफर्ट्स करेंगे, उपाय करेंगे कुछ इस तरह के कि उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य के तत्व को हम बढ़ाएं। जन्म कुंडली तो जो आपकी है वो तो शो कर रही है, एक फोटो क्लिक हो गया है आकाश का आपके जन्म के समय पर। तो क्या जब आपकी फोटो क्लिक की जाती है बचपन में, आप बड़े होते हैं तो आपकी शक्ल नहीं बदलती, आप और बड़े होते हैं तो दाढ़ी मूछें आती हैं, बहुत से चेंजेस होते हैं फेस पर। इसी तरह से हम तत्वों को भी अपने शरीर में बैलेंस कर सकते हैं। अब उस व्यक्ति का मान लीजिए कि सूर्य का तत्व बढ़ा दिया जाए, उपाय करा के उसको बढ़वाया जाए, सूर्य को जागृत कराया जाए, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा, तो वो क्या नहीं हासिल कर सकता। बस यही काम है ज्योतिष का, चीजों को देख करके उसको पॉलिश कराना, उसको संवारना। जो नवग्रह होते हैं हमारे, ये नौ, ये अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व को, और ये तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स, और जो हमारा शरीर भी है ये पंच तत्वों से मिलकर के ही बना हुआ है। तो ये तत्व और वो तत्व सेम है, इसीलिए हम ग्रहों से प्रभावित होते हैं। कई लोग इसमें कहते हैं कि बहुत दूर बैठा हुआ मंगल आपका क्या करेगा, नहीं, सेम तत्व है, तो वो जो तत्व है वो एक दूसरे से प्रभावित होते ही होते हैं। और मैंने क्या कहा कि आपको दिखाना, हर एक चीज को दिखाना। मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपकी कुंडली में मुझे आगे जा करके जॉब लॉस होने के चांसेस दिख रहे हैं, कोई एक्सीडेंट दुर्घटना की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो उसको आपको पहले बता करके आपको सतर्क किया जाएगा। जब आप सतर्क होंगे तो आप उससे बचने का प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे अर्थात कर्म करेंगे। और गीता में कृष्ण जी ने कहा ही है कि कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर नहीं। तो जब आप जान करके कर्म उस तरफ करेंगे, तो संभव है कि आप उस जो घटना घटित होने वाली है उससे आप बच जाएं। ये ज्योतिष का काम। और एक चीज और है कि ये सब कुछ भी प्रकृति के द्वारा सेट ही होता है कि आप एक ज्योतिषी के पास में जाएंगे और वो आपको कुछ उपाय बताएगा, उनको आप करेंगे, और उसके बाद में फिर आपकी जिंदगी में कुछ हद तक जो बदलाव है या जो जिंदगी को संवारने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो हर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच नहीं पाता या सही एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुंच पाता, वो उनके भाग्य भविष्य में लिखा हुआ रहता है। तभी एक ज्योतिषी माध्यम बन जाता है, करवाने वाला बस भगवान ही होता है। अब बारी आ जाती है जेम स्टोन की। बहुत से लोग को मैंने कहते हुए सुना है कि ये रत्न पहन लीजिए जिंदगी बदल जाएगी, वो रत्न पहन लीजिए जिंदगी बदल जाएगी। देखिए, रत्न में शक्ति होती है, ये मैं मानता भी हूँ और मुझे पता भी है, मैंने देखा भी है, मैंने स्वयं दो रत्न धारण किए हुए हैं। तो रत्न का अपना प्रभाव है। रत्न का क्या प्रभाव है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रह जो होते हैं वो तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपकी जन्म कुंडली को देख करके समझ में आता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसका तत्व थोड़ा सा कमजोर है। अगर हम आपको माणिक्य पहनाएंगे तो वो तत्व जागृत हो जाएगा, तो वो जिस भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है, उससे संबंधित आपको शुभ फल प्रदान करेगा। वो जब जागृत होगा तो जो छोटा मिल रहा था वो ज्यादा मात्रा में मिलेगा, आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। आपको जब अंदर से मजबूत बनाएगा तो आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, और जब आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी अर्थात आपके विचार, आपकी सोच अच्छी होगी, तो जब आप सही डिसीजन लेंगे तो क्यों नहीं आप सफल हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली ही आपको ले जाता है, लेकिन करना आपको ही होता है। जेमस्टोन बस इतना ही करते हैं कि आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा देते हैं। आत्मविश्वास का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अन्य ग्रह आपके अंदर की शक्ति को बढ़ा देते हैं। सोच बदल जाती है तो क्यों जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती। सोच से ही तो आज जितने भी बड़े आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं या किसी बड़े बिजनेसमैन जो कि
नामचीन है या जो मिलेनियर्स या बिलेनियर्स को देखते हैं उनके पीछे क्या भाग्य तो उनका है ही, परंतु जो उन्होंने कर्म किया तो कर्म करने से पहले दिमाग में एक सोच तो उत्पन्न हुई होगी ना, बस वही सोच, वो सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है, ये सोच ही डिसाइड करती है कि आपका आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। इस सोच को ही ठीक कर देना ही ज्योतिष के माध्यम से किया जा सकता है। जब आपकी जितने सोच बदल जाएगी फलस्वरूप आपकी जिंदगी तो शत प्रतिशत बदल ही जाएगी। यही जो कमजोर था इसका उदाहरण आप एक और चीज में ऐसे ले सकते हैं कि कई बार होता क्या है कि परेशानी मात्र 10% की होती है, जो भी परेशानी आती है जीवन में वो 10% की होती है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स उस परेशानी को 100% बढ़ा देता है। जो आपका रिस्पॉन्स है, आपकी जो प्रतिक्रिया है, वो उस परेशानी को 10 से 100 कर देती है। तो 10 से 100 जो 90% का फासला ही आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि वो परेशानी कितनी थी और आप उसको कितनी ले गए। उस रिस्पॉन्स को चेंज करना आपकी सोच पर, आपके आत्मविश्वास पर, आपके अन्य ग्रह स्थिति पर, आपके ग्रह बल पर निर्भर करता है। उन्हीं ग्रह बल को, उन्हीं ग्रहों के तत्वों को आपके शरीर में अगर रत्नों के द्वारा जागृत करा दिया जाए तो क्यों नहीं जिंदगी को बदला जा सकता है, उस परेशानी को कम किया जा सकता है। तो हाँ, परेशानी 10% तो आएगी, लेकिन अगर आप रत्न धारण करते हैं या उस तत्व को अपने अंदर जागृत करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स रेट, आपका एक्शन बदल जाता है और आपके एक्शन से बिल्कुल आपकी परेशानी बदल जाती है, ये कम तो हो ही जाती है। उन 5-7 पॉइंट्स पर जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसका जवाब देना या लोगों तक जवाब पहुँचाना जरूरी है। फिर बात आ जाती है ट्विंस की, जुड़वा बच्चे जो हैं तो उनका भाग्य क्यों एक नहीं है, उनके अंदर नेचर सेम होगा, उनके गुणधर्म सेम होंगे। अरे भाई बहनों के नेचर सेम हो जाते हैं जो ट्विंस ना हो, तो ट्विंस है तो नेचर तो सेम होंगे, वो ग्रहों का प्रभाव है। लेकिन सफलता और असफलता, वो वही बात आ जाती है ना कि अगर आप एक ही समय पर व्यक्ति पैदा हुए हैं, हो सकता है दिखते भी एक हो लेकिन हेयर स्टाइल एक नहीं होती, इसने अपनी हेयर स्टाइल को इस तरह से मैनेज किया, इसने अपनी हेयर स्टाइल को इस तरह से मैनेज किया, तो किस तरह से ग्रहों के तत्व को मैनेज किया गया है वो, और सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर प्रारब्ध का। प्रारब्ध अर्थात कि उसके जो पिछले जन्म के कर्म है, जो भाग्य है, उस पर ही आधारित होता है आपका आने वाला जीवन। तो प्रारब्ध की महत्वता बहुत ज्यादा है, प्रारब्ध को जान लेना ही वो साधना के बल पर जाना जा सकता है। वो ज्योतिषी की साधना पर निर्भर करता है कि वो कितना प्रारब्ध को देख पा रहा है, ये अलग विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ट्विंस का भाग्य भी एक नहीं होता क्योंकि उनका प्रारब्ध अलग अलग है। ज्योतिष का मूल रूप क्या था, क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि एक ऐसे विश्व का, एक ऐसी सृष्टि का हम निर्माण कर सकें, ब्रह्मा की सृष्टि को हम आगे बढ़ा सकें, कि वहां पर जो लोग आए, जो लोगों का जन्म हो, वो समाज को, समाज के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ पॉजिटिव करें, कोई तेजस्वी श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो सके। इसीलिए कुंडली मिलान का रोल आया। तो अभी बहुत एक ट्रेंड चल रहा है कि 36 गुण में विवाह टूटते देखा और 18 गुण में विवाह चलते देखा या 4 गुण में विवाह चलते देखा। अपनी जगह है वो सब बातें, ग्रह बल अलग है, लेकिन मेनली जो गुण मिलान बनाया गया था वो इसीलिए कि दो ऐसे लोगों को जोड़ा जाए कि वो दो लोग मिलकर के एक श्रेष्ठ संतति, एक तेजस्वी संतति उत्पन्न करें, जो कि देश के, विश्व के भविष्य के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सके। तो कुंडली मिलान मेनली ज्योतिष का यही रोल था कि कुंडली मिलान को लाया गया कि दो ऐसे लोगों को जोड़ करके एक ऐसा प्रोडक्शन कराया जाए जो कि सबका भला कर सके। शेयर मार्केट के विषय में तो मैंने बताया, किसी को भी मैंने सुना था कि एस्ट्रोलॉजर्स शेयर मार्केट के विषय में जानकारी देते हैं तो वो खुद अपना पैसा शेयर मार्केट में क्यों नहीं लगा लेते। एस्ट्रोलॉजर्स आपकी जन्म कुंडली को देख करके ये बताते हैं कि आपकी कुंडली में शेयर मार्केट से धन लाभ होगा या नहीं होगा। वो ये नहीं बताते कि इस कंपनी का शेयर आज बढ़ेगा और इस कंपनी का शेयर आज घटेगा। और जो बता रहे हैं वो मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी है, उसमें एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं है, वो मार्केट एक्सपर्ट्स भी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने ज्योतिष के विषय में आपको बताया कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष क्या नहीं है, ज्योतिष की महत्वता क्या है और ज्योतिष की जरूरत क्या है, वाई एस्ट्रोलॉजी क्या कारण है, अगर आप देखेंगे तो आपको आईना दिखेगा, नहीं देखेंगे तो भी आपकी जिंदगी तो चली रही। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः आप सभी के सम्मुख में एक नई वीडियो को लेकर के उपस्थित रहूंगा। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।